इतना टैग आकुंची होलो रे भाई। टुंडरा टैगा, लो टुंडरा टैगा यहाँ पर, वेरी गुड। अरे इसमें इमोजी कौन लिख के भेज रहा है ये? इस सबको हमने बतियाने का आदत लगा है, इमोजी लिख के भेज देता कहीं जी आगे लोग कहेंगे इमोजी कौन सी पढ़ेंगे हम, इमोजी लड़कियां बना बना भेज रही है सर, टुंडरा बोल रहे हैं तो अपन फोटो भेज रही है सर टुंड। और दिखाइए तो इमोजी लिख के मत भेजिए आप लोग, अरे जो लिखना है लिखिए ना, इमोजी भेजता है सब। हिंदी मीडियम वाला तो कई को पते नहीं इमोजी मतलब कौन सी वाला, और जन सियार ऐसा पीला पीला मुखौटवा बना रहा था इमोजी बोला जाता। ये रेखा बोलिए फटाफट, कौन सी रेखा है बीचों बीच से जा रही है? ये रेखा है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। हमारा प्यारा भारत ये रहा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये हमारा हिंदुस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये हमारा कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। अरे ये क्या हो गया यार, टेक्निकल आदमी नहीं है हम, या नौटंकी कर रहा है। रेखा पे जितने देश है ना वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं सब। आगे इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती है सब, सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा, तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया, तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि ये काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फंसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा। खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा आप, देखिए ना एकरे देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, सुजरा कोना से ब्याह किए हूँ, अभिषेक बच्चन, बताइए हम लोग उस टाइम खाली थे लोग। और दिखाइए, अजब हाल है भाई, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला, और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया यहाँ। कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ गया, वहां कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग, और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झोंसल मिलता है सब। कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सर, अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के उनमें नहा लेगी से तो गोर ना हो जाएगी सर। सब भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे? हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। आपको फिर बताए ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। चलो ध्यान से देखो, इतना यहाँ समझिए, आप समझना यार, कश्मीर के लोग गोरे काय होते? अच्छा कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर, ऐसे रूस वाला उनको देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा ऐसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल, समझा गया कि नहीं आ गया? भूगोल कितना ईजी है ना, ईजी नहीं है? बकलोल कहेंगे ईजी नहीं लग रहा है इसको, सुतल है। आगे बढ़े तो जितने लोग विषुवत रेखा के करीब वाले हैं वो होंगे काले, बीवी में रहेगी गोरी, और जो ये कोई भूगोल का नियम नहीं है रे भाई। और दिखाइए, बस खत्म। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, राइट है। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी,
और वो बालू भरता था उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी हैं एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब। आप पटना से हैं ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। गीता जी, आपके पीछे पड़ा कोई क्रेजी फैन ऐसा? आजकल के फैंस यस। देन ओनली खान सर। सीरियल तो और ससुराल चौपट रहता है। देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर कियो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा, उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका, सीरियल खत्म, बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक झोंक देगी जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो, टाई लगाओ, खत्म कहानी। बाद में आएगा घर तो देखेगा वो मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया का है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से, किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा, इसलिए डे वन से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे वन से पहले दिन से तुम लोग एकदम समझ में आता है। तुम्हारा उम्र कितना है अभी? तो तुम बोल दिया, पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टैडी दे, टैडी दे, चल पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। आगे तुम हम लोग को तो याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है। ये भारत की संस्कृति है बाबू, ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी से ओके, वहां फादर डे मनाओ, क्योंकि याद ना आता हमारा फादर कौन है। तुम मम्मी से पूछो, मम्मी 2013 में तुम किसके साथ शादी की थी? ओहो जॉन डिसूजा, उसके बाद विक्टर। हम बोले ना लड़का के लिए क्या होना जरूरी है, क्या मैं आप लड़की के लिए लोग बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। यार यार शादी शुदा लड़की नहीं, हर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। आगे और
चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे क्योंकि बेडरूम में घुस जाइएगा। अरे आज जाके कह दीजिए खान सर बोले थे चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, धागे कचर के मारेगा आपको। अगला स्टेशन कैंट एरिया है, वसंत विहार। जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड ना हो न उतरे, और आपके पास कार्ड नहीं है उतर गए, अरे चल ना घूम के आते दूसरे का मेट्रो से, तो वहाँ बैठल रहेगा सर आर्मी वाला, धो देगा अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं, पहुंचाए जाएंगे। घर में भी देखिएगा ना, महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी दीदी। सुपनेखा भी तो महिला थी नहीं थी, और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे, उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिया काट दिए थे। सुपनेखा का नहीं पता है। देखो लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया, कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया है। कौन जी कहती है नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज, इस सबको समझो में नहीं आता है कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे हा? मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन ही गड़बड़ा जाता है, समझा गया कि नहीं गया? दे बहुत खतरनाक, दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। एक्चुअली मैजिक भी है। क्या जरूरत है भैया पिटाने की, इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया भाई? लाइव वाले सब समझ रहा है सर, हाँ ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है सर, ये उधर हंसता है सर, ये कैसे हंसता है सर पता है, इमोजी बना देता है सर। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, घुसिया से तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कभी कभी बैच वैच लेट हो जाता है ना, घुसिया कैसे बोलता है सर। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के? तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गेट एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे, मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है। तो देखिए हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आया है ना उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए, हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं।
प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर ये जो फीस का कल्चर है ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है, कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए, एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता, इतना तो हम देख के कैमरा वमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था, हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, वो तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया, तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है ये बात। हम देखिए जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1,000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे, हम कह रहे यार तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है कैंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से, बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो करके। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है, हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है, और संदीप सर को देख लिए मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा? पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you sir. My day is like complete sir. All the best. Thank you so much sir. Thank you. पूरा बोला करो। Thank you. देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे।
लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। आप तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला सब्जी वाला यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो, और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा पढ़ाई लिखाई कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे कुछ भी, पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे, उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है, बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आकर के अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती हैं? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं, हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अरे इतना क्यों करते हो, है ना? कभी तो उनको भी साथ-साथ लगना पड़ता है, उनको साथ-साथ लगना पड़ता है। हम जग गए हैं तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते, दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है। हम सीट बांध दिए कि भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है अभी। मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम 4 लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है, तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीज़न है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीज़न पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में, आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। इन कि मन में आया सीधे बताओ गड़बड़ा जाएगा, तो वहाँ पर पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आ कि नहीं? और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है, तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। जैसे आपने 4 लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है, क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है। उसके बाद में रिसर्च करनी है, और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस।
हमारा ब्रेन है ना ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में उसको आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल, आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको, हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो। अब फंस गए ना तो फंसा दो अपने आप को, दिमाग ये लगाओ कि अपने आप को कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो चीज टलती चली जा रही है। तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर वन। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है, ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जांपल, किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा यहाँ एक खत्म हो गया अब दूसरा करना चाहिए, और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया अरे आराम करना चाहिए, कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक। सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जोन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। हाँ सर। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जैसे हमने क्या पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला वो कंप्लीट ना होला, अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रहला, तो वो कम कैसे करल जाए? देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, ये कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है, कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पैर तोड़ के बैठ जाएगा। अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर ये एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है, क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो मेरा। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है।